एक बड़ी खबर आपको बता दें, संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले श्रोमणी अकाली दल के प्रत्याशी सिमरनजीत सिंह मान ने जीत के बाद विवादित बयान दिया है। सिमरनजीत सिंह ने कहा कि ये जीत हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और भिंडरांवाले की दी हुई शिक्षाओं की जीत है। तो ये भिंडरांवाले की शिक्षा की जीत है, श्रोमणी अकाली दल से लोकसभा चुनाव जीते हैं और आते ही उन्होंने किस तरह से विवादित बयान दे दिया। जीत के ठीक बाद अकाली दल के प्रत्याशी सिमरनजीत सिंह मान, जिन्होंने जीत दर्ज की है उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव जीते हैं वो यहां से, और जीत के ठीक बाद उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और भिंडरांवाले की दी हुई शिक्षाओं की जीत है। तो संगरूर से जीते हैं और जीतने के फौरन बाद ही उनका यह विवादित बयान। जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, अभी जीते और अभी जीतने के फौरन बाद विवादित बयान, भिंडरांवाले की दी हुई शिक्षाओं की जीत है ये? देखिए, सिमरनजीत सिंह मान अपने इस तरह के विवादित बयानों के लिए पिछले 3 दशक से मशहूर हैं और ये आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे और इसीलिए इनकी आईपीएस ऑफिसर के तौर पर नौकरी चली गई थी, क्योंकि इनको ये माना जाता था कि ये खालिस्तानी समर्थक हैं और इसीलिए इनको पुलिस सेवा से बाहर किया गया था। तो बेशक चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इनका जो पुराना राग और जिस भी विचारधारा पर ये चलते हैं, ये उसी से जुड़ा हुआ बयान देते हैं और ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है। भिंडरांवाला और खालिस्तान, ये तमाम चीजें इनकी जुबान पर हमेशा रहती हैं और मुझे लग रहा है आगे भी रहती रहेंगी। लेकिन क्या इनका ये बयान शिरोमणि अकाली दल के लिए मुसीबत खड़ी करेगा आगे? देखिए, शिरोमणि अकाली दल से इनका कोई वास्ता नहीं है, इनका अलग से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर जो है वो इनका दल है और ये उसमें जो है वो खुद ही सुप्रीमो है उस दल के। कोई जो प्रकाश सिंह बादल का और सुखबीर सिंह बादल का जो शिरोमणि अकाली दल है उससे इनका कोई नाता नहीं है। हाँ, शिरोमणि अकाली दल बादल ने ये कोशिश जरूर की थी कि इस बार ये साझा तौर पर सिमरनजीत सिंह मान उनके उम्मीदवार हों, लेकिन इसके अलावा और कोई भी उनका शिरोमणि अकाली दल से वास्ता नहीं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, लोकसभा उपचुनाव में आज ही जीत दर्ज की है शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, इनका ये अपना गुट है और उसी के ये प्रमुख भी हैं। भिंडरांवाले की शिक्षा की जीत का जिक्र उन्होंने अपनी जीत के बाद किया, सिमरजीत सिंह जो आज ही जीते हैं, और जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये भिंडरांवाले की दी हुई शिक्षाओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। तो यहाँ पर जगविंदर जी, यानी कि हालांकि वो विश्वास रखते हैं, आपने कहा कि कई बार इस तरह के विवादित बयान, भिंडरांवाले का जिक्र वो करते रहे हैं और उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं अपनी जीत के बाद भी, कि मैं इसी अपने विचारों के साथ आगे काम करूंगा। देखिए, जब जो आदमी पुलिस सेवा में रहते हुए भी इन विचारों के साथ काम करता था तो वो जाहिर सी बात है कि राजनीति में भी इन्हीं विचारों के साथ काम करेगा। सिमरनजीत सिंह मान को कभी भी इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि वो एक बार 89 में लोकसभा की सभी सीटें उनका दल जीत किया था, क्योंकि उस वक्त आतंकवाद का दौर था। उसके बाद 99 में वो संगरूर से ही एक बार चुनाव जीते थे और फिर वो 22-23 साल जो है उनको कभी भी राजनीतिक तौर पर पंजाब के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस बार क्योंकि थोड़ा सा सिद्धू मूसेवाला के समर्थन की बात को लेकर और दूसरा आम आदमी पार्टी के प्रति जो नाराजगी है लोगों की, उसके चलते सिमरनजीत सिंह मान के लिए ये लॉटरी लगी है भाई इलेक्शन में। पर मेरा अपना ये मानना है, जितना मेरा तजुर्बा है, कि सिमरनजीत सिंह मान जो है वो पंजाब में खालिस्तान और जरनैल सिंह भिंडरांवाले की विचारधारा से अलग थलग नहीं हो सकते, भले लोग इनको जिताएं या फिर ना जिताएं, लेकिन ये उसी लाइन पर काम करेंगे जिसके लिए इनको पुलिस सेवा से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो सिमरजीत सिंह जो कि अपना विवादित बयान उन्होंने जीत के ठीक बाद दिया, आप जगविंदर जी हमारे साथ रहेगा, एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर कहा क्या है उन्होंने, उनकी पूरी बात क्या है। ते जिहड़ी सेहत सानू संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने दित्ती है, अपना अमन पसंद तरीके दे नाल संघर्ष दे विच रहना, ये ओदी जित होई है। ते जिहड़ी पूरा बयान आपने सुना, जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये जो जीत है वो कार्यकर्ताओं और भिंडरांवाले की सोच की जीत हुई है। बाबा, बाबा। पूरिया सिटी जानिए Thank you.
गोलियां सटी। गोलियां सटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।